हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल लेबोरेटरी क्लब। आज हम बताने वाले हैं हमारे लेबोरेटरी में बहुत ही अहम कैलिब्रेशन के बारे में। बहुत लोग कंफ्यूजन रहते हैं कि कैलिब्रेशन कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे लगाते हैं। एनीवे बहुत कंफ्यूजन रहते हैं कैलिब्रेशन को लेके लेबोरेटरी में। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले। तो पहला मेरा तीन क्वेश्चन आता है कैलिब्रेशन को लेकर। कैलिब्रेशन होता क्या है, क्यों लगाते हैं और कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि कैलिब्रेशन क्या होता है। कैलिब्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मेजर ऑफ एक्यूरेसी। पर लेबोरेटरी में कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो गया, रिएजेंट हो गया, उसका एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, कैलिब्रेशन करते हैं। जैसे कैलिब्रेशन के बाद हम क्यूसी लगाते हैं, ठीक है। तो क्यूसी में हम चेक करते हैं कि हमारा सही रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर सही रिजल्ट नहीं आ रहा है, कोई एरर दे रहा है, तो हम फिर से रिपीट कैलिब्रेशन करते हैं उसका वैल्यू को मेंटेन करने के लिए। जैसे क्यूसी लगाते हैं, क्यूसी पे कुछ नॉर्मल रेंज जितना होता है, ठीक है, एक नॉर्मल रेंज, उस रेंज से बाहर ना जाए और कम ना हो, इसलिए उसमें कोई एरर ना आए, इस वजह से हम कैलिब्रेशन करते हैं। ओके, तो आज हम बताने वाले हैं हमारा रेट्रोस्पेक्टिव 600 में T4 का कैलिब्रेशन करेंगे। जो तो सबसे पहले हम सैंपल पे जाएंगे, उसके बाद कैल प्रोग्राम पे, देन डिफाइन कैल पे जाना होगा। फिर हमें कौन सा टेस्ट का करना है कैल, उसका सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे T4 का, तो T4 का लॉट देख लेना है, 2850 लॉट है, तो इसमें T4 सेलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद सेव करेंगे, फिर असाइन का, उसके बाद इसमें लॉट नंबर हम चेक करके लॉट सेलेक्ट करेंगे, जो मेरा लॉट है 2850, ठीक है, 2850 का हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे जाएंगे, देन कौन सा ट्रे में हम लगाएंगे कैल, उसका नंबर डालना है इसमें। जैसे फोन नंबर ट्रे में डाल रहे हैं हम, तो फोन डाल देते हैं इसमें, फिर फिनिश का बटन। उसके बाद हमें यहाँ पे अशाइन लिखा हुआ आएगा। तो अब हम अपना कैलिब्रेटर को तैयार करेंगे। तो कुछ इस तरह से हमारा कैलिब्रेटर आता है, ये लेवल 1, अब देख सकते हैं लेवल 1 कैलिब्रेटर है जो ग्रीन कलर का होता है, और ये लेवल 2 कैलिब्रेटर जो येलो कलर का आता है, और ये रेड कलर का, ये लेवल 3 में होता है। तो हमें तीनों लेवल को 300 माइक्रोलीटर लेके मशीन में रन करानी है। देन हमारा कैल सही से हुआ या नहीं हुआ ये चेक करने के लिए हमें सबसे पहले जाना होता है ऑप्शन पे, उसके बाद रिव्यू एडिट कैलिब्रेशन पे, फिर हमें चेक करना होता है T4 कहाँ पे है, और उसे T4 को सेलेक्ट करना होता है, ठीक है, T4 सेलेक्ट। उसके बाद हमें रिव्यू कैलिब्रेशन में जाना होगा, देन हमारा ऊपर में ही शो करता है करंट का, जो हमने जिस डेट पे लगाई है और जिस टाइम पे लगाई है, वो सारे शो होता है। देखिए मेरा करंट शो हो रहा है, और ये सारे हमने पहले से ही लगाए हुए थे, जो प्राइमरी और एक्सपायरी शो होता है, देन हमारा कैलिब्रेशन डन। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर कहीं आपको डाउट लगे, आप मेरे नीचे कमेंट करें और फीडबैक जरूर दीजिए। तो हमारा अगला वीडियो रहेगा उसी पे, तब तक आप इंतजार कीजिए और इस वीडियो को अच्छे से समझे। धन्यवाद।